नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। बिहार में मौसम हर रोज अलग अलग रंग दिखा रहा है और लोगों की परेशानियां मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जिस तरीके से शीत लहर ने लोगों की परेशानियां बढ़ाई थी, ठंड की वजह से, हवा में कनकनी की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगे थे, बीमारियों की चपेट में आ रहे थे, तो वहीं 2 दिनों से जिस तरीके से धूप निकल रही थी, लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन ये खुशी जो थी लोगों की वो ज्यादा लंबी नहीं रही, क्योंकि रविवार की सुबह से ही बिहार के कई जिलों में बरसात होने लगी। झमझमाकर बारिश कई जिलों में देखी गई है और अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर से बिहार के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 48 घंटों में बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो बिजली, ओले गिरने और बारिश को लेकर अलर्ट पर रहने वाले हैं। मौसम विभाग के द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है, आपको आगे विस्तार में बताते हैं। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 48 घंटों का अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के कई इलाकों में गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने और बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इस दौरान ओला गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 और 48 घंटे को लेकर अलग अलग अलर्ट जारी किए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही ठंडी हवा का असर राज्य में देखा जा रहा है। इसे लेकर मौसम विभाग ने पटना के साथ साथ अन्य जिलों में लोगों से सावधान रहने की अपील भी की है। रविवार सुबह से ही पटना, वैशाली, नालंदा, गोपालगंज, नवादा समेत कई जिलों में हल्की बारिश देखी गई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर बिहार में दक्षिण पूर्वी और दक्षिण बिहार में दक्षिण पश्चिम हवा का प्रवाह हो रहा है। सतह से 0.9 किलोमीटर पर 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसका प्रभाव भी प्रदेश में अब नजर आ रहा है। इन मौसमी कारकों के प्रभाव से आसमान में निम्न एवं मध्यम दर्जे के बादल का आगमन हो चुका है। साथ ही अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से संयुक्त रूप में नमी युक्त हवा का आगमन राज्य में हो गया है। इस प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम बिहार के 6 जिले, मध्य बिहार के 8 जिले, जिनमें पटना भी शामिल है, ऐसे कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का और आकाशीय बिजली का पूर्वानुमान लगाया गया है। साथ ही साथ कुछ स्थानों पर ओला पड़ने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे बाद यानी कि दूसरे दिन उत्तर पूर्व बिहार के 7 जिले, जिनमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार शामिल है, साथ ही साथ उत्तर मध्य बिहार के 7 जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर, और इसके अलावा दक्षिण मध्य बिहार के 8 जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद और दक्षिण पूर्व बिहार के 5 जिले भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया और कुछ भाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ आकाशीय बिजली के और गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि देखी जा सकती है और सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में मौसम में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं हुआ है। रात के तापमान में अधिकतर स्थानों पर 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन गया एकमात्र ऐसा शहर रहा जहां 24 घंटों की तुलना में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की कमी देखी गई। राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस गया में ही दर्ज किया गया और गया घने कोहरे के प्रभाव में भी दिखाई दिया। लेकिन अब आने वाले 48 घंटों में बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। ऐसे में लोगों के लिए सावधान रहना बेहद जरूरी है, अपना ख्याल रखना बेहद जरूरी है, ताकि मौसम में जिस तरीके के बदलाव दर्ज किए जा रहे हैं उसकी वजह से लोग बीमारियों की चपेट में ना आए और अपने आप को सुरक्षित रखें। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।